नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ में एक सामाजिक धार्मिक क्रांति हुई और उस क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति हुई जिस पर ब्राह्मणवाद ने बुद्ध धर्म पर विजय पाई। 1984 BC में पुष्यमित्र सुम्न ने बृहद्रथ, जो अंतिम बौद्ध राजा था, उसकी हत्या करके ब्राह्मणवाद की स्थापना की, ब्राह्मणवाद की नींव डाली। तो ये सीरीज शुरू की है एसएम न्यूज ने। अगर आप इस पे देखना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं। तो जब ये प्रतिक्रांति हुई, बुद्ध धर्म का पतन हो गया और ब्राह्मण धर्म पुनः स्थापित हो गया, ब्राह्मणवाद पुनः स्थापित हो गया, तो बहुत सारे काम ब्राह्मण के हित के किए, वो हम पीछे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्या उस काल में जो चार वर्ण होते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या उनका निर्धारण कर्म के आधार पर होता था या जन्म के आधार पर होता था, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो जो बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने जो शोध की है और बाबा साहब के ये क्रांति प्रतिक्रांति के नाम से खंड 7 जो बाबा साहब का है, इसमें विस्तार से बाबा साहब ने पेज नंबर 170, 71, 72, 73 में इसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो जो पहले वर्ण का निर्धारण था, इसमें बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला है कि पहले वर्ण का निर्धारण होता था, वर्ण का चयन होता था, उसमें सिलेक्शन होता था और कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। उसमें फिक्स नहीं था कि जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है ब्राह्मण रहेगा, कोई भी ब्राह्मण शूद्र बन सकता था, शूद्र क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय बनिया बन सकता था, कोई भी ब्राह्मण उसमें जा सकता था। और उस समय जो कि धार्मिक साहित्य से पता लगता है, बाबा साहब ने जो अध्ययन किया और बाबा साहब ने बताया कि उस समय एक परंपरा थी और वो परंपरा के अध्ययन से ये पता लगता है कि वो परंपरा वास्तविक थी और उस पे आधार पर होता था। तो परंपरा क्या थी कि किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निश्चय करने का काम अधिकारियों के एक दल द्वारा किया जाता था, जिसे मनु और सप्तऋषि कहते थे। मनु उसका चेयरमैन होता था और 7 मेंबर होते थे, सप्तऋषि बोलते थे, उनके द्वारा होता था। व्यक्ति के समूह में से मनु उनका चुनाव करता था जो क्षत्रिय और वैश्य होने के योग्य होते थे। मनु जो एक पद था वो क्षत्रिय और वैश्य का चुनाव करता था और जो सप्तऋषि थे, जो 7 मेंबर थे, वो ब्राह्मण होने का चुनाव करते थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्णों का चुनाव हो जाता था और जो बाकी बच जाते थे वो शूद्र वर्ण में आ जाते थे। और ये जो एक बार निर्धारण हो जाता था, इसकी समय सीमा निश्चित थी, वो थी 4 साल। 4 साल की समय सीमा थी और 4 साल के समय को एक युग कहा जाता था। युग अर्थात 4 वर्ष की अवधि तक ही रहती थी। एक बार का जो सिलेक्शन होता था, एक बार का जो निश्चित किया जाता था, हर 4 साल के बाद इसका रिव्यू होता था, पुनः इसका निर्धारण होता था और पुनः उसी तरीके की कमेटी, जरूरी नहीं है वही कमेटी हो, कमेटी में दूसरे मेंबर भी हो सकते थे, एक मनु और सप्तऋषि, इस तरीके की कमेटी होती थी अधिकारियों की, वो पुनः इस बात का निर्धारण करते थे। और पुनः जो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो वैश्य चुने गए थे, उनको अलग करके जो पहले रह गए थे, जो कि शूद्र वर्ण में आ गए थे, उनको फिर जो था ब्राह्मण या क्षत्रिय बनाया जाता था। जो लोग और जो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य चुने गए थे, वे शूद्र होने के योग्य होने के कारण रह जाते थे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। वर्ण के जो है व्यक्ति बदलते रहते थे, कोई भी व्यक्ति
ब्राह्मण शूद्र हो सकता था, शूद्र क्षत्रिय हो सकता था, ये लगातार हर 4 साल में ये प्रक्रिया ये होती रहती थी, ये चलती रहती थी। और व्यक्तियों का चुनाव जो था उस समय उनकी मानसिक और शारीरिक अभिरुचि और उनके कामों के आधार पर किया जाता था कि वो क्या काम करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर उसको कहा जाता था। और इस वर्ण जो काल में वर्णों की अदला बदली होती थी उसे मनवंतर कहते थे, उसका टर्म दिया था मनवंतर। तो ये जो 4 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर मनवंतर होता था, उसके द्वारा हर 4 वर्ष बाद सूची में संशोधन कर दिया जाता था, और इस संशोधन के अधीन कुछ का पिछला वर्ण बदल जाता था, कुछ का बना भी रहता था, जरूरी नहीं है सबके बदल दिए जाए, कुछ का सेम बना रहता था, कुछ का अपग्रेड हो जाते थे, कोई डाउनग्रेड हो जाते थे, ये उन पे उनके काम और उनके क्या कहने चाहिए मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता था। तो कोई भी ऊपर नीचे होता रहता था या एक वर्ण में भी कई साल लगातार तक रह सकता था। तो ये जो एक चयन मंडल था जो साक्षात्कार के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण करता था, ये जो वर्ण का निर्धारण था इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था, ये अनियमित रीति से होता था। ऐसा लगता था कि यह पद्धति व्यवहार में नहीं रही, इसके स्थान पर एक पद्धति शुरू हुई। जब ये इस तरीके का ये अनियमित होता रहा तो फिर गुरुकुल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुकुल पद्धति का प्रारंभ हुआ कि एक गुरु होता था जिसे आचार्य कहते थे, और सभी बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, और 12 वर्ष के बाद 12 साल की पढ़ाई के बाद वो गुरु निश्चित करता था कि किसको कौन से वर्ण में रखा जाए। गुरु उनके जो थे जब कोर्स पूरा कर लेता था तो उनका एक संस्कार होता था जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार। जब तक गुरुकुल में रहता था तब तक ब्रह्मचारी रहता था, शादी नहीं कर सकता था, और आचार्य जो थे उनके वर्ण को निश्चित करने का तरीका बनाते थे और उपनयन संस्कार समारोह होता था, जैसे आज होता है दीक्षांत समारोह, उसी तरीके से होता था जिसमें आचार्य प्रत्येक विद्यार्थी का वर्ण निश्चित करते थे और उसे वापस संसार में अपना कर्तव्य पूजा करने के लिए भेज देते थे। तो जो आचार्य द्वारा उपनयन वर्ण को निश्चित करने का नया तरीका था, यह नई प्रणाली जो थी पुरानी प्रणाली की तुलना में अच्छी थी, क्योंकि इस पर जो चयन किया जाता था उसके प्रशिक्षण उसके गुणों के आधार पर किया जाता था। लेकिन इसके साथ साथ एक नया परिवर्तन इसमें आया। नया परिवर्तन वो आया कि पहले जो 4 साल की अवधि निश्चित की गई थी मनु और सप्तऋषि के द्वारा, वो 4 साल की अवधि इसमें समाप्त कर दी गई, और एक बार जो प्रशिक्षण लेने के बाद निर्धारण के बाद प्रशिक्षण ये मतलब आवश्यक हो गया था कि भाई, और एक बार जिसका प्रशिक्षण हो जाए, गुरु ने जिसको एक बार निर्धारित कर दिया जाए उसका जो था हमेशा के लिए हो जाता था, वो जो था जीवन पर्यंत रहता था। इसमें हालांकि सुधार भी हुआ, लेकिन इस सुधार के साथ साथ में इसमें वर्ण की जो व्यवस्था थी वो जीवन पर्यंत हो गई, अदला बदली का सिस्टम इसमें खत्म हो गया, समय की अवधि खत्म को हो गई। और ये लेकिन ये वंशानुगत नहीं था, ये जीवन पर्यंत एक व्यक्ति जब तक जीवित रहता था तब तक रहता था, और उसके मरने के बाद उसके बच्चों का पुनः चयन होता था, वो कुछ भी वर्ण में जा सकते थे। तो ये जो पद्धति इस तरीके से थी, ये पहले वर्ण को निर्धारित करने की 2 पद्धति थी जो कि प्रचलित थी। पहली थी जो 7 अधिकारियों का दल होता था, 8 का एक मनु और सप्तऋषि, बाद में गुरुकुल प्रथा में शुरू हुई, और ये इस तरीके से वर्ण के निर्धारण की उसमें तरीका था कि किस तरीके से वर्ण का निर्धारण होता था। पहले जन्म के आधार पर वो नहीं था वर्ण का निर्धारण, उनके कर्म और उनके प्रशिक्षण, उनके क्या कहना चाहिए योग्यता, इन सब के आधार पर किया जाता था।
आज बस इतना ही। आपसे मेरा निवेदन है कि बाबा साहब द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक जरूर पढ़ें, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स, क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से वर्णन दिया है, मैंने तो शॉर्ट में बताया है। इसमें बाबा साहब ने पूरे उदाहरण समेत और उदाहरण के साथ में साक्ष्यों के साथ जो है पूरा इन्होंने बाबा साहब ने वर्णन किया है। समय अवधि के कारण पूरी बात हम नहीं पढ़ के सुना सकते, आपसे निवेदन है जरूर पढ़ें। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे के सारे एपिसोड इसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है क्रांति प्रतिक्रांति बाबा साहब के रिसर्च के आधार पर, और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।